गरीब लड़कियों को कूरियर गर्ल बनाते हैं ड्रग्स तस्कर। इंदौर में लड़कियां बोली, एक ट्रिप के देते हैं 2 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के इटारसी से 100 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ पकड़ाई मिजोरम की लड़कियों ने। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लड़कियों ने जिम्बाब्वे के रास्ते ड्रग्स लाने की बात कबूल करते हुए तस्करी के पूरे नेटवर्क और उसके ऑपरेशंस को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। इन लड़कियों को इंदौर नारकोटिक्स टीम ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था। लड़कियों ने बताया कि कुरियर गर्ल के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले उन्हें न केवल ट्रेनिंग दी गई थी बल्कि करोड़ों रुपए की ड्रग्स सौंपने के पहले इन्हें 15 दिन के लिए विदेश की सैर भी कराई गई थी। पकड़ी गई सभी लड़कियां केवल 8वीं पास हैं और गरीब परिवारों से आती हैं। कुरियर गर्ल्स भारत लाई 100 करोड़ की ड्रग्स। एनसीबी द्वारा बताया गया कि 15 दिन पहले मिजोरम में रहने वाली तीनों लड़कियों लालम जोनी, लाल वेनहिनी और राम संग दुई बेंगलुरु से जिम्बाब्वे पहुंची थी। गिरोह के एजेंट ने उनके लिए एक होटल में कमरे बुक कराए थे। 15 दिन घूमने के बाद जब लड़कियां वापस भारत लौट रही थी तब उन्हें 3 सूटकेस दिए गए। तीनों सूटकेस में 7-7 किलो हीरोइन रखी हुई थी। तीनों कुरियर गर्ल फ्लाइट से दुबई होते हुए बेंगलुरु पहुंचे। यहां से तीनों को दिल्ली जाना था। तीनों राजधानी एक्सप्रेस से बेंगलुरु से दिल्ली के लिए निकली लेकिन रास्ते में भोपाल में हो रही चेकिंग की सूचना मिलने पर वो इटारसी उतर गए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।